हेलो गाइज, इसके पहले के वीडियो में मैंने बात किया था Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया है एंड बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस स्मार्टफोन के फुल डिटेल के बारे में कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च किया जा रहा है एंड इस स्मार्टफोन के इंडियन वेरियंट की प्राइस क्या होने वाली है, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए होगा अधिक समय ना लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया जाए लुक एंड डिजाइन से, तो इस स्मार्टफोन का लुक एंड डिजाइन नोट 13 प्रो प्लस से बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको ग्लॉसी फिनिश वाला बैक पैनल देखने को मिलेगा एंड इस स्मार्टफोन के एजेस आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर लुक की बात किया जाए तो लुक वाइज स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात की जाए इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको एक 6.67 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन वाला फुल HD OLED पैनल देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा होने वाला है। एंड बात की जाए अगर परफॉर्मेंस की, सो परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 4nm के आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया गया है। मतलब कि हल्के फुल्के गेमिंग आप आराम से कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हैवी गेमिंग अगर आपको करना है तो आपको नोट 13 प्रो प्लस की तरफ जाना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में पबजी वगैरह आराम से चलने वाला है। अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के कैमरे की, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको बैक पैनल में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि पिक्चर क्वालिटी काफी क्लियर होने वाली है एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइडनेस दिया गया है एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रोलेंस देखने को मिलेगा। साथ ही अगर फ्रंट कैमरे की बात किया जाए, इस स्मार्टफोन में आपको एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है। एंड बात किया जाए इस स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग की, तो इस स्मार्टफोन में आपको एक 5020mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि हैवी यूज में आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप एंड नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैकअप आराम से देने वाला है, जिसके साथ आपको 67W का चार्जिंग देखने को मिलेगा, जो कि आपके स्मार्टफोन को काफी जल्दी चार्ज करने वाला है। सो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में भी ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया होने वाला है। अब बात करें इस स्मार्टफोन के अदर डिटेल्स की, तो इस स्मार्टफोन में आपको NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। एंड बात की जाए इस स्मार्टफोन के स्टोरेज की, तो इंडिया में जो वेरियंट आपको देखने को मिलेगा हाइयर वेरिएंट, वो 16GB रैम एंड 1TB स्टोरेज के साथ देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया जा रहा है एंड इस स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट की प्राइस क्या होने वाली है। सबसे पहले बात की जाए प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट की जो प्राइस होने वाली है वो आपको 23,000 से लेकर 25,000 के बीच में देखने को मिलेगा। एंड अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की, तो रेडमी की तरफ से कोई भी चीज कंफर्म नहीं किया गया है, बट अनुमान के अनुसार ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आपको नवंबर की लास्ट वीक तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिलेंगे एंड उसकी प्राइस क्या देखने को मिलेगी, तो वीडियो आपके होम स्क्रीन पे आ रही होगी, डायरेक्टली वहां से क्लिक करके उसे प्ले कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।